नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको शराब बंदी संशोधन को 5 बिंदुओं में समझाने जा रहे हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में शराबबंदी को लेकर अभी भी हाय तौबा मची हुई है। शराबबंदी कानून में एक बार फिर से संशोधन हो गया है। विधानमंडल में बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित किया गया है, यानी सरकार इसे लेकर सख्ती के साथ ही नरमी भी बरत रही है। लेकिन अभी भी इस कानून को लेकर लोगों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लोग कई तरह के कंफ्यूजन में हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको शराबबंदी कानून में किए गए संशोधन को 5 बिंदुओं में बताने जा रहे हैं। क्यों किया गया संशोधन? बिहार में शराबबंदी कानून में एक बार फिर संशोधन हुआ है। पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र में ध्वनिमत से इसे पारित किया गया। इसका सत्ता पक्ष स्वागत कर रहा है तो विपक्ष से लेकर अब भी तंज ही कस रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस कानून में सरकार को संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को 2016 में लागू किया गया था, लेकिन तब से इसके इम्प्लीमेंट को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे। पुलिसिया कार्यशैली पर उंगलियां उठने लगी थी, और तो और शराबबंदी को लेकर उंगलियां उठाने वालों में उनके सहयोगी दल भी पीछे नहीं रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कई दफे पुलिसिया कार्यशैली पर कड़े हमले किए थे। यहां तक कि पुलिस के कामकाज पर खुद विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने सवाल खड़े कर दिए थे। दूसरी ओर इतनी अधिक गिरफ्तारियां हो गई कि कोर्ट पर बेहिसाब बोझ बढ़ने लगा। बिहार सरकार की ओर से नवंबर 2021 में जारी रिपोर्ट ने तो सबों को चौंका ही दिया था। इस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक इस मामले में 49,900 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे बिहार के जेलों पर बोझ बढ़ गया था। जेलों और कोर्टों पर बढ़ते बोझ को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, तब जाकर शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया। सरकार की क्या है मंशा? शराबबंदी कानून में संशोधन के पीछे सरकार की एक ही मंशा है कि निर्दोष लोग इसकी चपेट में ना आए और गलत लोग बच ना पाए। इसलिए सरकार शराब तस्करों और धंधेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए इसकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन से जांच करवा रही है। विधानसभा के बजट सत्र में संशोधन बिल पास होने के बाद मद निषेध मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया से बात की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि निर्दोष लोगों को किसी भी हाल में परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन दोषी को छोड़ा भी नहीं जाएगा। इसके लिए सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है। पहली बार तो फाइन लेकर गलती करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बार बार गलती करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि शराबबंदी कानून को कड़े तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए 2000 से अधिक पुलिस और राज्य सरकार के कर्मियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था। गौरतलब है कि शराब तस्करों और धंधेबाजों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार अब हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सहयोग ले रही है। हेलीकॉप्टर से सर्वे करके अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसी जा रही है। गंगा के तटीय इलाके से लेकर सुदूरवर्ती गांवों तक को खंगाला जा रहा है। जहां हेलीकॉप्टर नहीं जा पा रहा, वहां ड्रोन को भेजा जा रहा है। शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस कर्मियों को इन सबों से लैस किया जा रहा है। उन्हें सैटेलाइट फोन और मोटर बोट जैसे संसाधनों की भी सुविधा दी जा रही है। इससे पहले उड़न दस्ता टीम को भी लगाया गया था। परीक्षा अधिनियम याद है ना? आपको बिहार परीक्षा अधिनियम याद तो होगा ही। अब आप सोच में तो नहीं पड़ गए कि शराबबंदी कानून संशोधन में परीक्षा अधिनियम कहां से आ गया? तो आपको बता दें कि इसका परीक्षा अधिनियम से सीधा सीधा संबंध है। दरअसल मैट्रिक, इंटर से लेकर हायर एजुकेशन या फिर नौकरी वाली किसी भी परीक्षा में यदि आप चोरी या परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं, तो वहां भी आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है।
मजिस्ट्रेट के आदेश पर आपको जुर्माना देकर जमानत दी जाती है या फिर अपराध बड़ा होने पर जेल भेजा जाता है। कुछ ऐसा ही मामला शराबबंदी कानून संशोधन में भी है। संशोधन बिल के अनुसार यदि शराब पीते हुए कोई पहली दफे पकड़ा जाता है तो शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों को सबसे पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह परीक्षा अधिनियम में जुर्माने की राशि वसूलने के बाद परीक्षार्थियों को छोड़ा जाता था। इससे कोर्ट का बोझ कम होगा, पुलिस को भी बोझ कम लगेगा, कोर्ट को भी तारीख पर तारीख नहीं देनी होगी और यह पकड़ाने वालों के लिए भी सबक होगा। हालांकि पहले लोगों में यह कंफ्यूजन था कि जुर्माने की मोटी राशि वसूली जाएगी, लेकिन अब यह कंफ्यूजन भी दूर हो गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में क्लियर हो गया कि पहली बार शराब पीने वालों पर अब 2000 से 5000 रुपए तक का ही जुर्माना किया जाएगा। जब्त वाहनों का क्या होगा? अब बात करते हैं शराब के साथ पकड़ाए जब्त वाहनों के बारे में। दरअसल बड़ा सवाल यह भी है कि पहली बार पकड़ाने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश पर फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि वाहनों का क्या होगा। संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि पहली बार पकड़े जाने पर जब्त वाहनों को जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकेगा। वाहन मालिकों से यह जुर्माना वसूला जाएगा, यानी वैसे किसी वाहन जिसमें पहली बार शराब पकड़ी जाए या उससे कारोबार नहीं किया जाता है तो उसके वाहन मालिक से जुर्माने में एक निश्चित राशि लेकर छोड़ दिया जाएगा। मसलन किसी बस या फिर प्राइवेट गाड़ी में एक दो बोतल शराब पकड़े जाने पर उससे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शराब के साथ बार बार पकड़े जाने पर पुलिस वाहनों को जब्त कर पहले उसकी वीडियोग्राफी करेगी। ये आपको बता दें कि इसके पहले शराब के कारोबार में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को पुलिस जब्त कर राजसात कर लेती थी। इसकी कानूनी प्रक्रिया भी काफी लंबी होती थी और इसमें विलंब भी होता था, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। प्रावधान के तहत जब्त वाहनों को समय सीमा के अंदर नीलाम करना होगा। टाइम मैनेजमेंट के पालन करने से इस प्रकार के वाहनों को नीलामी में कम समय लगेगा। गौरतलब है कि संशोधन के पहले तक पिछले 5 वर्षों में शराबबंदी कानून के तहत 66,000 वाहन जब्त किए गए हैं। उन वाहनों की भी नीलामी की जाएगी। क्या लाल घर भेजे जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति जेल भी जाएंगे या किसी परिस्थिति में जेल जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि बेशक वैसे लोग जेल जाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई लागू है। दरअसल यह सही है कि पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा, वहीं से जमानत दे दी जाएगी। इसके एवज में फाइन की रकम भी बहुत नहीं रखी गई है। मैक्सिमम जुर्माने में 5,000 रुपए तक की राशि देकर वह छूट सकता है, लेकिन यदि आरोपी जुर्माने की राशि नहीं देगा तो वह पहली बार में ही जेल जा सकता है। प्रावधान में कहा गया है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 1 महीने तक की सजा हो सकती है, लेकिन यदि आरोपी यही हरकत बार बार करता है तो उसे निश्चित रूप से जेल भेजा जाएगा, साथ में जुर्माने की राशि भी देनी पड़ेगी। राशि नहीं देने पर जेल की सजा बढ़ भी सकती है। सजा कितनी बढ़ेगी यह मजिस्ट्रेट तय करेंगे। और हाँ, आरोपी की पेशी के दौरान जब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को जब्त सामान पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस पदाधिकारी मोबाइल या फिर वीडियोग्राफी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। साथ ही नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट भी किया जा सकेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल 5PM के साथ बने रहें। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।